हेलो प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो मम्मी लाई थी 1 लीटर दूध चाय बनाने के लिए, तो फट गया, तो अब जा रही है रसगुल्ला बनाने। चलिए देखते कैसे बनते हैं, है ना। अभी बन रहा है रसगुल्ला। ये दूध का छान के रखते हैं। रसगुल्ला खाओगी? हाँ, नहीं खाएगा कि नहीं? रसगुल्ला खाए गई है। हाँ, अब खाएगी। हमारी छुट्टी है, चीड़ दो, हम कैसे खा पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी में चीनी घुल गया है अच्छे से। अब हम दूसरी प्रोसेस की ओर चलते हैं। ये मैंने फटा हुआ दूध छान के रखा था, दबा के लोड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पनीर की रेसिपी भी ऐसी होती है। देखिए पनीर की तरह बन के तैयार है। अब हम इसको अच्छे से दबा दबा के मैश कर लेंगे, अच्छी तरीके से एकदम मैद लेंगे इसको। तो अच्छे से मैद के फिर देखिए इसका अच्छे से, फिर देखिए फ्रेंड्स, हम हल्के हाथों से गोली बनाएंगे। और गोली देखिए कितना सॉफ्ट है, चिकना चिकना दिख रहा है ना। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग उस पनीर का छोटा छोटा हल्के हाथों से लड्डू बना लेंगे। देखिए 1 किलो दूध में 15 रसगुल्ले बन के रेडी हैं। अब हम इसको चाशनी खोलेगा तो उसमें डालते रहेंगे, आराम आराम से डालिएगा। और फिर देखिए मेरी मम्मी आज क्या बोलने वाली है आप लोगों से। बोलो मम्मी। मैं अभी पहली बार बना रही हूँ ना। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने पका दिया। अब ये थोड़े बड़े भी हो गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। और कमेंट में बताएं कि रसगुल्ला कैसा बना है। और आप लोग मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए यही रेसिपी बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय।